तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हलवे के लिए सबसे पहले हम हाफ कप सूजी 1.5 कप दूध में भिगो के 1 घंटे तक रख लेंगे। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए दूध में भीगी हुई सूजी, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून घी, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और बादाम और पिस्ता कतरन। सबसे पहले हम एक पैन में घी डाल देंगे और उसमें हम ऐड करेंगे हमारी सूजी और दूध का मिक्सचर। अब हम इसे हल्का लाइट ब्राउन कलर होने तक धीरे धीरे भून लेंगे। इसे भुनने में लगभग 10 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर आपको इसे और डिलीशियस बनाना है तो आप इसमें 1/2 कप मावा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें चीनी ऐड कर दें और इसे 1 मिनट तक मिक्स ना करें ताकि चीनी कैरमलाइज हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें बादाम कतरन और पिस्ता कतरन भी ऐड कर देंगे। अब लास्टली हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और हमारा हलवा रेडी है। ये हलवा हम अक्सर शादियों और पार्टीज में खाते हैं, बट फिर भी हम गेस नहीं कर पाते कि ये सूजी का बना हुआ है। ये एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, इसमें हमें कैरमलाइज टेस्ट आता है। इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।